हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मांगा रिकॉर्ड, प्रदेश पुलिस में बंद की जांच। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ में दो एफआईआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी और सीआईडी से पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। सीबीआई की टीमें सोमवार या मंगलवार को हिमाचल पहुंच सकती है। हिमाचल पुलिस के एसआईटी ने अब इस मामले की जांच बंद कर दी है। सीबीआई अब नए सिरे से जांच करेगी। सीबीआई पहले पेपर खरीदने वालों पर और फिर बेचने वालों से पूछताछ करेगी। इसके बाद और गिरफ्तारियां हो सकती है। एसआईटी अब तक 253 आरोपियों की गिरफ्तारियां कर चुकी है। इसमें 27 आरोपी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से के हैं। हिमाचल के थुरल में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त 21 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के थुरल क्षेत्र में रविवार देर शाम को एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 21 यात्री घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार थुरल से 3 किलोमीटर दूर चूला में एक निजी के पास पलमपुर सुजानपुर सड़क पर एक निजी बस पलट गई। बस नाले पर बनी पुलिया से टकरा गई और पहाड़ी से टकरा कर सड़क पर पलट गई। हादसे के समय बस में चालक, परिचालक समेत 21 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बस धमाके की आवाज सुनाई दी। नहीं भरे केवाईसी फॉर्म, हिमाचल में 2.75 लाख किसानों की अटकी सम्मान निधि। केवाईसी फॉर्म ना भरने पर हिमाचल प्रदेश के 2.75 लाख किसानों की सम्मान निधि अटक गई है। केंद्र सरकार ने इन किसानों बागवानों के खातों में 12वीं किश्त जारी नहीं की है। इन्हें फॉर्म भरने के लिए 15 दिसंबर तक की मोहलत दी गई थी। फॉर्म भरने के बाद ही बैंकों को इन किसानों का पैसा जारी किया जाएगा। प्रदेश में 9 लाख किसानों बागवानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि भूमि संबंधी जानकारी अभी तक सिर्फ 73% किसानों ने ही दी है। राज्य सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। विधायकों में से सीएम चुनने को कांग्रेस के गुट ने पार्टी हाईकमान को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पार्टी के एक गुट ने हाईकमान को पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि 8 दिसंबर को मतगणना के बाद चुने गए विधायकों को ही मुख्यमंत्री का चयन करने का अधिकार दिया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजे पत्र से हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। इस पूरे घटनाक्रम को प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से रोकने से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश में बीते कई वर्षों से कांग्रेस की राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द ही घूमती रही है।